डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पर्यटन को पंख लगाने के साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में छाई आर्थिक मंदी दूर हुए बिना देश की आर्थिक हालत पटरी पर आने की उम्मीद कम लगती है। 15 महीने से कोरोना महामारी के चलते आर्थिक सेहत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान स्वागत योग्य है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के इरादे से की गई घोषणाओं में कुछ घोषणाएं नई हैं तो कुछ पुरानी घोषणाओं का विस्तार है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर लड़खड़ाते पर्यटन उद्योग में नई जान फूंकने के लिए अनेक तरह से सहायता देने की कोशिश की गई है। कोरोना से प्रभावित अलग अलग क्षेत्रों के लिए गारंटी स्कीम के जरिए आमजन का मनोबल बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। सरकार ने इस पैकेज में ब्याज दरों को तर्कसंगत रखने पर जोर दिया है। छोटे कारोबारियों को 125,000 रुपए तक का कर्ज उनकी आर्थिक हालत को सुधारने में मददगार साबित होगा। नए राहत पैकेज में किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार समय की मांग है। पर्यटन क्षेत्र के लिए लंबे समय से राहत पैकेज की मांग की जा रही थी। देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 10% है। देश में हर साल आने वाले 1 करोड़ पर्यटक आर्थिक प्रगति में बड़े सहायक होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इस कदम के व्यापक असर देखने की पूरी उम्मीद है। टूरिस्ट गाइड को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऋण देने से इस क्षेत्र को नई जान मिलेगी। कोरोना की सबसे अधिक मार पर्यटन क्षेत्र को ही झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी सरकार अलग अलग क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर चुकी है। देश की जरूरतों को देखते हुए इससे आम जन को निश्चित रूप से कुछ मदद भी मिली है। इससे पहले दिए गए पैकेज में MSME सेक्टर का खास ध्यान रखा गया था। सरकार ने ध्यान रखा था कि इस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार पैदा होते हैं और कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की ही सामने आने वाली है। सरकार के उस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से मुफ्त खाद्यान्न, रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे उपाय शामिल थे। और सबसे खास बात यह थी कि मोदी सरकार ने इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में देश को सकल घरेलू उत्पाद का 10% आवंटित करने का वादा किया था। उम्मीद है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे भी उचित कदम उठाती रहेगी। पाई पेराचेंज, स्वतंत्र होने के बाद एक नए भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका सोची गई, क्योंकि वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रौढ़ जनों को जोड़ती है। शिक्षण और अनुसंधान द्वारा उच्च शिक्षा का तंत्र
ज्ञान निर्माण उनकी समीक्षा और उसके प्रसार से जुड़ा हुआ है। इसमें गुणवत्ता भी चाहिए और इसे सर्वसमावेशी भी होना चाहिए। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय की अपने ढंग की व्यवस्था थी, पर आज की व्यवस्था का मूल अंग्रेजों द्वारा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में स्थापित कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालयों में है। पश्चिमी ज्ञान और विश्व दृष्टि के सांचे में ढले ये संस्थान एक खास दृष्टि से ज्ञान सृजन से जुड़े थे, जिसका औपनिवेशिक संदर्भ महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने इसका प्रतिकार तो किया, परंतु अंततः वर्चस्व पश्चिमी दृष्टि का ही बना। इनकी संख्या 1947 में 18 हो गई, जो आज केंद्रीय राज्य सरकार से अनुदानित और निजी संस्थाओं को मिलाकर लगभग 1000 के करीब हो चुकी है। मात्रात्मक दृष्टि से यह बड़ी उपलब्धि है, परंतु युवा प्रधान जनसंख्या के लिए यह अपर्याप्त है। IIM, IIT और वैसे ही कुछ और ज्ञान द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति चिंताजनक है। अधिकतर संस्थाओं में पठन पाठन की गुणवत्ता, व्यवस्था और ज्ञान सृजन को लेकर असंतोष व्याप्त है। सभी संस्थान बड़े दबाव में हैं। अकादमिक जीवन में नकारात्मकता के अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। शोध कार्य में एक बंधे बंधाए ढर्रे पर काम करते जाने के माहौल में कुछ नए ढंग से सोचने और करने की गुंजाइश घटती जा रही है। नियम कानून की बंदिशें शोध को रूटीन में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अक्सर शोध और प्रकाशन के तौर तरीकों के संकुचित वैज्ञानिक नज़रिए के प्रति अतिरिक्त आग्रह ज्ञान के प्रति दमनात्मक रवैया बन जाता है। पाई पेराचेंज ज्ञान विज्ञान के लिए संवाद जरूरी है। नियम और व्यवस्था का शिकंजा विचारों या चिंतन में ताजगी लाने के लिए जरूरी बौद्धिक कोशिशों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लक्ष्य उच्च शिक्षा को वह मंच बनाना था जो अनुभव को अर्थ देने या समझ विकसित करने में मददगार होता। सिर्फ डिग्री दे देने से कोई व्यक्ति किसी अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा काबिल नहीं हो जाता। उच्च शिक्षा मुक्त करने के लिए है या होनी चाहिए, पर हो यह रहा है कि उच्च शिक्षा से जुड़े लोग नियमों से ज़्यादा प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं। वे नई दृष्टि या संभावना की तलाश से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए अब उत्पादकता और व्यावहारिक उपयोगिता का रवैया खास हो गया है। ज्ञान निर्माण को बाजारू वस्तु मानने वाला नजरिया ठीक नहीं है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ज्ञान निर्माण के लिए संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा समाज के लिए योगदान करे, इस विचार के चलते ये संस्थान विशिष्ट क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञों की जमात खड़ी करने में काम में लगे हैं जिनके पास प्रमाण पत्र हैं। डिग्री और डिप्लोमा धारकों की संख्या ही उच्च शिक्षा का मानदंड माना जा रहा है। ज्ञान की खोज और दुनिया की समझ की दृष्टि के लिए शिक्षण के पक्के इंतजाम नाकाफी है। अब पेटेंट के लिए उपयुक्त ज्ञान पर बल दिया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की बढ़ती कटौती के बीच सब वित्त पोषित तरीकों को अपनाने के साथ ज्ञानार्जन की संभावना घटती जा रही है।
सालों साल अध्यापकों, कुलपतियों तथा आवश्यक संसाधन के अभाव से जूझती उच्च शिक्षा को उचित स्वायत्तता को स्थान दिए बिना वास्तव में ज्ञान सर्जन संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति भारत केंद्रित और वैश्विक दृष्टि से संपन्न है। ज्ञान मूलक लचीली शिक्षा व्यवस्था से हालात बदल सकते हैं, बशर्ते उस पर अमल भी हो। स्टॉप।